अभी अभी जो आपने वीडियो देखा उससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो के पाठक से भी आगे निकल पड़े हैं। अचानक सड़क किनारे रुककर स्कूल के बच्चों से बात करने लगे। वहीं इस दौरान क्या कुछ पूरा वाकया हुआ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दरअसल हुआ यूं कि विद्यालय से छुट्टी हो गई थी। कुछ बच्चे कंधे पर किताब कॉपियों का बैग लटकाए घर लौट रहे थे। ये बच्चे राजधानी पटना स्थित राज्य सचिवालय के विकास भवन के सामने से गुजर रहे थे कि अचानक उनके सामने एक कार रुकी। बच्चे कुछ समझ पाते कि उस कार का दरवाजा खुला और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बाहर निकले। दरअसल उस वक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग जा रहे थे, तभी उनकी नजर सामने से आते बच्चों पर पड़ी। स्कूलों में 12:10 तक छुट्टी हुई थी, बस फिर क्या था। नए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सामने खड़े देख छात्र भी आश्चर्य रह गए। तभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों से उनके नाम पूछे। उनमें एक बच्चे ने अपना नाम अक्षय बताया तो वहीं दूसरे ने सुभाष। दोनों ही बच्चे प्रारंभिक विद्यालय के थे, दोनों ही स्कूल ड्रेस में थे। संभवतः उन्हें स्कूल ड्रेस में ही देखकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी रुकवाई थी ताकि उनसे कक्षा में कराई जाने वाली पढ़ाई लिखाई की जानकारी ले सके। इस दौरान राह चलते लोग और फुटपाथी दुकानदारों के साथ उनके ग्राहकों की नजरें भी उधर ही टिक गई। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों से स्कूल में होने वाली पढ़ाई की जानकारी ली। बच्चों ने भी उन्हें बताया कि स्कूल में बढ़िया से पढ़ाया जाता है। बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई को बेहतर बताया। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बच्चे से होमवर्क की कॉपी मांगी। वे कॉपी के पेज उलट पलट कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि शिक्षक द्वारा होमवर्क कैसे चेक किया जाता है। अचानक उनके मुंह से निकला कि इसमें तो डेट ही नहीं है। दोनों बच्चों से कई और जानकारी लेने के बाद उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठ गए और शिक्षा विभाग के लिए चल पड़े। तो इस दौरान यही पूरा वाकया हुआ जिसका वीडियो अब सुर्खियों में छाया हुआ है। इस वीडियो को लेकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर सजगता देखते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ की जमकर तारीफ भी हो रही है। इधर याद दिला दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि जब भी विद्यालय के निरीक्षण पर जाएंगे तो विद्यालय आते जाते बच्चों से जरूर बात करें। इसके साथ ही उनके अभिभावकों से भी बात करें। इससे बच्चों और अभिभावकों की समस्याएं शिक्षा विभाग के संज्ञान में आएंगी, इससे समस्याओं के निराकरण में मदद मिलेगी। तो ऐसे में एस सिद्धार्थ ने खुद ही बच्चों से बातचीत की और उनके स्कूल में पढ़ाई को लेकर के पूरी जानकारी ली। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।